दिल्ली में, दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में जो प्रोग्राम हुआ 15 मार्च और 16 मार्च को, उसी प्रकार का प्रोग्राम महाराष्ट्र में 15 और 16 मार्च को मुंबई के नजदीक वसई में होने वाला था, जिसमें 50,000 तबलीगी लोग इकट्ठा आने वाले थे। लेकिन ये बात जब हमारे ख्याल में आई, गृह डिपार्टमेंट के ख्याल में आई, होम डिपार्टमेंट में ख्याल में आई, तो हमने उनको बुला के हमने बताया कि ये आप 15-16 मार्च को तबलीगी समाज का 50,000 लोगों का जो इसमें इकट्ठा होने वाले समाज के लोग, वो कार्यक्रम आप ले नहीं सकते। उनकी परमिशन हमने रद्द की है और उनको हिदायत दी कि आप ये प्रोग्राम कोई भी हालत में वैसे में नहीं होगा। हमने वो प्रोग्राम को यहाँ होने से रोका, लेकिन उसी प्रकार का प्रोग्राम 15 और 16 तारीख को दिल्ली में हुआ, निजामुद्दीन में, वहां मरकज में हुआ। हमारा एक ही सवाल है कि वहां पे हम, जैसा महाराष्ट्र पुलिस ने यहाँ पे ये प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगाई, उसी प्रकार की पाबंदी दिल्ली पुलिस ने जो निजामुद्दीन के मरकज में प्रोग्राम हुआ उसके ऊपर क्यों नहीं लगाई? दिल्ली पुलिस ने प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी न लगाने से प्रोग्राम खत्म होने के बाद में जो तबलीगी समाज के बांधव जो हर एक जिले में, हर एक राज्य में गए, कोई राजस्थान में गया, कोई मध्य प्रदेश में गया, कोई महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आने के बाद भी काफी जिलों में, कुछ लोग बंबई आए, कुछ लोग पुणे गए, कुछ लोग नासिक गए, कुछ लोग नागपुर गए, इस प्रकार से काफी जिले में लोग फैल गए। उसके कारण कोरोना का प्रादुर्भाव और बढ़ गया। उसके लिए राज्य शासन को उसको निपटने के लिए काफी बड़ी ताकत लगाना पड़ रहा है। आज आपको बताया कि पूरा महाराष्ट्र शासन की पूरी यंत्रणा, चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, साफ सफाई हमारे कर्मचारी हो, ये सभी जद्दोजहद से इस महामारी को काबू में लाने का प्रयास कर रहे। और इसमें ये नया संकट दिल्ली पुलिस के वजह से महाराष्ट्र में आया है और बाकी राज्य में आया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये भी हमारा यहाँ पे सवाल है।